रो रही हो तुम? खाली तुम जानते हो रोता कौन है? जिसका कोई नहीं होता। तुम्हारा ये भाई ना भी जिंदा है और वो तुमसे वादा करता है वो सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ। देखो देखो लो, है का? खुद देख ले। एक सुहागन का शगुन है क्योंकि तुम मुमकारा सिंह ओबेरॉय की सुहागन हो। और जब तक शिवाय सिंह ओबेरॉय जिंदा है ना, तो कोई भी, मतलब कोई भी, तुमसे ओबेरॉय खानदान की बहू होने का हक नहीं छीन सकता। वो दादी कहती है ना, मिट्टी पाओ, जो भी हुआ उस पे बाल्टी भर भर के ना मिट्टी पाओ, और पड़ों को नादान समझ के उन्हें माफ कर दो। अरे हम छोटों ने ही ठेका ले रखा है क्या सिर्फ गलती करने का? बड़ों से भी तो गलती हो सकती है ना। मिस्टर ओंकार सिंह ओबेरॉय, आप अपनी बीवी को ऐसे ही देखते रहेंगे या उनकी मांग में सिंदूर भरेंगे? Come on. चलो। अब गाइस नो मोर रोना, ओके? प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके अब रोना धोना बहुत हो गया, सब काम पे लग जाओ। जूरी के प्री वेडिंग फंक्शंस की तैयारियां करनी है, ऑलराइट? और मैं वैसे तुम्हें पहले से ही वार्न कर लूं कि तुम्हें डबल काम करना है, मतलब जो तुम्हारे हिस्से का काम है वो तो करना ही है, दूसरा कोई और जो काम बिगाड़ेगा उसे तुम्हें सुधारना है, ओके गौरी? क्या हुई? हां किसकी तरफ इशारा था आपका? मेरी तरफ ना, तुम्हें देख रहा। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम देख रहे हो ये भाई बहन का ना, भाई बहन चारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाभी, अच्छी तरह देख रहा हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो। ये भाई बहन है तो हम भी देवर भाभी हैं, वो दो हैं तो हम भी दो हैं। और मैं आपकी तरफ। रियली बातें शादी बहुत हो गई, लेट्स गेट बैक टू एक्शन। ऑलराइट मदद करते। आपने अभी भी दवाई नहीं ली है ना? कितनी मैं बोल 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 के थक गई हूँ। खा लूंगा यार, काम 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 करते हैं सब। होता रहेगा काम बाद में। काम पे लगो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? कम ऑन। हाँ मैं निकल रही हूँ। ओके बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी फ्रेंड श्रुति है ना, वो गोवा में, उसे मिलने जा रही हूँ। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद देख लो। पराठा? वो भी शुद्ध देसी घी में बनाओ, मैंने अपने हाथों से बनाया। इस दरिया दिली की क्या वजह है? तुम्हें थैंक्स बोलना था, मतलब भव्या अगर आज मेरी लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यू नो दैट ना? रुद्र, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें अपना प्यार मिल गया। और सुनो भैया, बहुत अच्छी लड़की है, तुझे खुश रखना। ओके तुम्हें डाउट है मुझको? हाँ, इसलिए कह रही हूँ। तुम भी यार, चलो पराठा खा लो पूरा। अरे अरे हाँ, ये देखिए, 1 2 3 4। हाँ आराम से, आराम से। हाँ ठीक है, आओ बैठो। बहुत अच्छी। भैया हमारी बात सुनो, शादी पे ना
दुल्हन को थोड़ा बहुत शर्माना भी पड़ता है। अरे नहीं नहीं भाभी, हमें शर्माना वरमाना नहीं आता, हमें तो बस गोलियां मारना आता है। ठीक है, जानते हैं हम, जानते हैं, इसीलिए हम है ना। हाँ? हम सिखा देंगे तुम्हें और हर दो दो मिनट पे तुम्हें याद भी दिलाएंगे। ये बेहतर है कि हाँ। कैसे करते हैं हाँ। हाँ। देखना। आए हाय गौरी। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हाय मेरा मतलब छोटे भाई की शादी, खुशी तो होगी ना। आज कोई ज्यादा ही खुश हो रहा है नहीं शिवाय? होने दे, यही वक्त है खुश होने का, वरना शादी के बाद क्या होने वाला है ये तुझे और मुझे तो पता ही है। नहीं, 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 पता तो मुझे भी है यार। पर होता ना कि शादी का जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो अबला पतियाले जोक्स मारने में मजा ज्यादा आता है। इसलिए वो कहावत सुनी ना आपने, शादी वो लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना खाए तो भी पछता है। तो अब पछता नहीं है तो लड्डू खा के पछताऊंगा। और वैसे भी उस टॉर्चर का अपना अलग मजा है। अच्छा हेलो, क्या टॉर्चर? शादी के फंक्शन में टॉर्चर की क्या बात हो रही है? हाँ मैं बताता हूँ भाभी, मैंने भी सुना। हाँ? ये भैया बोले शादी टॉर्चर की जैसा होता है। हाँ? 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 नहीं भाभी, नहीं नहीं भाभी, भाभी भाभी ऐसी बात नहीं है, हम शादी की ही बात कर रहे थे, इसके कान बज रहे हैं। रुड़ी, मैंने बोला। हाँ? एक मिनट शिवाय, आपने क्या बोला? टॉर्चर शादी? मैंने कहा गौरी बताओ अनिका को। हाँ बाबा भौजाई, आप बड़े भैया ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते, आप रूढ़ी भैया की बातों में मत आइए। Exactly. अपने भाई की कुछ ज्यादा साइड नहीं ले रही हो तुम। हम तो बस सच बोल रहे हैं। हाँ, जो सच है वो सच। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? Of course. तू ही झूठ बोलता है यहाँ पे। आ गया पति अपनी पत्नी की तरफदारी करने के लिए। क्या हुआ बाबे, नहीं दुल्हन रो रही? क्या हो गया? श्री भाभी, वो हम सोच रहे थे कि आज अगर हमारी फैमिली होती तो वो भी ऐसे ही। हाँ समझ गया, क्या करना है रोरी? कौन आ गया? सुनो रो मत, मेरा परिवार भी तुम्हारा ही परिवार है। बस रूडी भैया चलो जाइए, शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से दूर रहते हैं। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो शादीशुदा होने के बावजूद तो दादी ने वो 2 फीट वाला रूल बना दिया। अरे वो पुराने लोग थे, पुराने विचार वाले, हम न्यू जनरेशन है। सबसे पहले ये बताओ कि हम सोएंगे कहाँ, कौन कहाँ सोएगा? ये सही बोला आपने, मैं बताता हूँ। हाँ। आप चारों अपना देख लो, भव्य और मैं अपना देख लेंगे। क्या? हाँ भव्य क्या? ओ हेलो, भूल गए तुम दोनों की शादी नहीं हुई अभी तक। हाँ हाँ, हाँ। और इस घर में सिर्फ एक ही कमरा है, इसलिए लड़के वाले बाहर हॉल में सोएंगे और लड़की वाले अंदर कमरे बेडरूम। बोल दिया तुमने। हाँ। हो गया। तो मेरी सुनो, ओके? हाँ। ये लड़का लड़की वाले हम नहीं खेलने वाले, नॉट नो चांस। अरे अरे बड़े भैया मजा आता है ना, पिछली बार भी खेला था, बहुत मजा आएगा। अरे भाभी आपको मजा आ रहा है तो आप खेलो ना, हमको नहीं खेलना, तुमको बड़ा मजा आ रहा है खेलने में। क्यों नहीं खेलना, हम लोग को तो खेलना है। हाँ। डर गए थे। एक मिनट एक मिनट, एक्सक्यूज मी गौरी कुमारी शर्मा, हम डरते नहीं है किसी से भी। ओमी कुमारी शर्मा, सॉरी ओमी सिंह ओबरॉय, तुम घबरा गए हो, डरे नहीं हो तो क्या हो गया, घबरा तो गए हो अभी टीम में। अरे एक मिनट यार, शादी हो रही है, दंगल करने आओ यहाँ पे, मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब ना म्यूजिक है ना डांस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, शादी लग नहीं रही यार। हाँ आप सही बोल रहे रूडी भैया, आप तैयार तो हो गए, साथी वाला घर लग नहीं रहा है। पॉइंट, लग नहीं रहा है तो कुछ करते हैं जिससे लगने लगे।